हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस क्लास में जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, यानी अक्षांश और देशांतर। तो इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे ग्लोब के बारे में और अक्षांश और देशांतर यानी कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो अगर हम बात करें हमारे प्रीवियस चैप्टर के बारे में, तो उसमें हमने पढ़ा था हमारी पृथ्वी के बारे में, हमारी अर्थ के बारे में। तो हमने अर्थ के बारे में जाना कि अर्थ जो है वो पूरी तरह से गोल नहीं होती है। वो कैसी होती है? अपने पोल्स पे, अपने दोनों पोल नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स पे थोड़ी सी फ्लैट होती है। तो अगर आपने ग्लोब देखा होगा तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारी पृथ्वी भी कैसी है, तो ग्लोब की तरह है। तो हम कह सकते हैं कि ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ, यानी ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल है, छोटा सा एक नमूना है। ग्लोब की साइज कैसी होती है? ये बिग भी होते हैं, मतलब बड़े होते हैं, और छोटे भी होते हैं। कुछ ऐसे भी ग्लोब होते हैं जिनको आप आसानी से कैरी कर सकते हो, एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हो आसानी से। ग्लोब के थ्रू हमें कंट्रीज, ओशियन और कॉन्टिनेंट्स के बारे में पता चलता है। सो ग्लोब शोज कंट्रीज, ओशियन, कॉन्टिनेंट इन दियर करेक्ट साइज। जो इनका साइज होता है, जो एक्चुअल जो वास्तविक साइज होता है कंट्रीज का या फिर ओशियन का या कॉन्टिनेंट्स का, तो उनकी जो करेक्ट साइज है वो हमें ग्लोब में देखने को मिलती है। बट ग्लोब क्या है? वो फिक्स नहीं होता है, वो स्थिर नहीं होता है। इट कैन बी रोटेटेड, इसे रोटेट किया जा सकता है, इसे घुमाया जा सकता है। like, मेरे पास एक छोटा सा ग्लोब है, ये यू कैन सी, ये क्या है? ग्लोब है। तो ये जो है वो अपने दोनों पोल्स पे, नॉर्थ पोल और ये नीचे का साउथ पोल, तो अपने दोनों पोल्स पे क्या है? थोड़ा सा फ्लैट है, थोड़ा सा चपटा है। और इसे हम, ये क्या है? फिक्स नहीं होती है, इसे हम आसानी से रोटेट कर सकते हैं, लाइक दिस। तो इट कैन बी रोटेटेड, ओके। तो अब हम बात करते हैं एक्सिस के बारे में, अक्ष के बारे में। सो अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू अ ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर। एक नीडल में, लाइक सी, ये क्या है? ग्लोब है। तो ये थोड़ी सी टिल्टेड है यानी झुकी हुई है, और ग्लोब क्या है? इसमें फिक्स है। तो ये जो नीडल है, ये जो नीडल हो गई, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। तो ये तो बात हो गई ग्लोब के बारे में कि ग्लोब क्या है, अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, और ये नीडल जो है वो इट पासेस थ्रू टू पोल्स, यानी ये दो पोल्स से यानी दो ध्रुवों से पास करती है। एक तो हो गया नॉर्थ पोल और एक हो गया हमारा नीचे का साउथ पोल। तो इन दोनों पोल से ये जो नीडल है वो पास करती है, और थ्रू नीडल ग्लोब कैन मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और नीडल की मदद से ही हम ग्लोब को ईस्ट से वेस्ट रोटेट कर सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। तो आई होप इतनी बात क्लियर होगी, अच्छे से समझ आई होगी। तो ये तो हो गया ग्लोब के बारे में। बट अगर हम बात करें हमारी पृथ्वी के बारे में, हमारी अर्थ के बारे में, तो हमारी पृथ्वी के पास ऐसी कोई भी नीडल नहीं होती है, और ना ही पृथ्वी के पास कोई एक्सिस होती है, ना ही कोई अक्ष होती है। जिस एक्सिस पे पृथ्वी रोटेट करती है, असल में वो एक इमेजिनरी लाइन है, यानी कि एक काल्पनिक रेखा है जिसको लोगों ने मान लिया है। बट द अर्थ हैज नो सच नीडल्स, इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस, दैट इज एन इमेजिनरी लाइन। यानी कि पृथ्वी के पास ऐसी कोई भी नीडल्स नहीं होती है, और पृथ्वी जिस लाइन के चारों ओर रोटेट करती है, जिस लाइन पे वो रोटेट करती है, वो क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक रेखा है। और ऐसे ही एक और काल्पनिक रेखा है जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, यानी दो बराबर भागों में बांटती है, उसे हम इक्वेटर कहते हैं, यानी कि भूमध्य रेखा। इक्वेटर मीन्स भूमध्य रेखा। सो इट इज एन इमेजिनरी लाइन Which divide Earth into two equal parts. Equator क्या है? Equator भी एक काल्पनिक रेखा है, एक imaginary line है, जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में divide करती है। The first one is Northern Hemisphere, यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और दूसरा क्या है? Southern Hemisphere, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। तो ऐसी ही एक imaginary line क्या है? Equator, जिसे हिंदी में हम कहते हैं भूमध्य रेखा।
तो इक्वेटर जो लाइन है वो पृथ्वी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इस लाइन के यानी इक्वेटर के ऊपर का जो पार्ट है उसे हम कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हिंदी में इसे हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। और इक्वेटर के नीचे का जो हिस्सा है उसे हम कहेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। और हमारा जो देश है यानी इंडिया, हमारी कंट्री जो इंडिया है वो भी कहाँ है, दैट इज ऑल्सो इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो आई होप कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट इन कमेंट सेक्शन। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम बात करेंगे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, यानी कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।